व वित्तीय विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वानों ने भुगतान को लेकर रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। रीवा जिले के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में स्व वित्तीय पाठ्यक्रम में कार्यरत अतिथि विद्वानों का भुगतान माह जुलाई 2020 से आज दिनांक तक का एक भी माह का भुगतान नहीं किया गया है। अतिथि विद्वानों के द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय द्वारा बताया गया था कि आप लोगों के भुगतान के लिए फाइल कलेक्टर महोदय के पास जा चुकी है, मगर कलेक्टर साहब के द्वारा हर बार फाइल को वापस कर दिया जाता है, जिससे भुगतान में विलंब हो रहा है। इसके कारण सभी अतिथि विद्वानों की जीविकोपार्जन में दिक्कतें आ रही हैं। रीवा कलेक्टर से मांग की है कि समस्त विद्वान का जल्द से जल्द वेतन दिया जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। अभी क्या नाम है? हरिशंकर गुप्ता, गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज रीवा से। हम लोग सभी अति स्वल्प फाइनेंस अतिथि विद्वान हैं। हम लोगों को जुलाई से मानदेय नहीं मिला है, लगभग 6 महीने हो गए हैं। कई बार कलेक्टर महोदय के पास प्राचार के माध्यम से फाइल भेजी गई, लेकिन यहां से कलेक्टर महोदय के माध्यम से फाइल जो है सत्यापित नहीं की गई, जिस कारण से हम लोगों का प्राचार द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस वजह से हम लोग आज जो है कलेक्टर महोदय के पास जो है आए थे ज्ञापन देने के लिए कि हम लोगों का निराकरण किया जाए और 6 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिससे हम सभी अतीत विद्वानों का जीविकोपार्जन नहीं चल रहा है। ऐसे हम लोग 8 लोग हैं साइंस कॉलेज में, 8 अतीत विद्वान हैं जिनका मानदेय 6 महीनों से रुका हुआ है। बाकी सभी काम हो रहे हैं साइंस कॉलेज में, केवल मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम प्राचार से बात करते हैं अभी लंच के बाद, और जैसा भी होगा इसको हम प्राचार को ही बता देंगे।